हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज के इस भगवद्गीता क्लास में हम आरंभ करने जा रहे हैं श्लोक संख्या 32 अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का श्लोक संख्या 32। भगवान कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात एवं इस प्रकार बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञ यज्ञ वितता फैले हुए हैं ब्रह्मणा वेदों के मुखे मुख में, कर्म जान कर्म से उत्पन्न विद्धि अर्थात जानो तान उन सर्वान सबको एवं इस तरह ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ जिन यज्ञों का वर्णन हम पिछले कई सप्ताह से कर रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। वेदों में इनके बारे में कहा गया है कि यह हरेक जीव को करना चाहिए और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान अर्जुन के लिए संदेश देते हैं कि जब तुम्हें ये जानकारी मिल जाएगी, ये ज्ञान मिल जाएगा कि ये जो वेदों में बताए गए यज्ञ हैं वो किस किस तरह के हैं, कौन से कर्मों से उत्पन्न है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य में समझते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को किस तरह से हमें समझा रहे हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। वो कहते हैं कि वेदों में कर्ता के भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्ता के भेद, अलग अलग करने वाले लोगों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख वेदों में किया गया है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, उन्हें कोई असुविधा ना हो, वो अच्छी तरह से अपने मन बुद्धि और शरीर के अनुसार इन यज्ञों को कर सकते हैं, किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सबका विधान है। जब आप देह को ही पकड़कर बैठे हुए हो तो आप कैसे मुक्त हो जाओगे यज्ञ करते हुए। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि देह से मुक्त होने के लिए ही इन यज्ञों का विधान है, इसलिए देह को तो छोड़ना ही है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमें ये स्वीकार करना है। यही हमारा सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन है, अपना अनुभव है, स्वानुभव कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसी की पुष्टि यहां पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन अपने समझने के माध्यम से हम लोगों को समझाते हैं कि हमें किस तरह से इन यज्ञों को स्वीकार करना चाहिए। और हमारा ये जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है, ये व्यर्थ है, नश्वर है, नाशवान है, समाप्त हो जाने वाला है। तो आइए इसे और थोड़ा आगे समझते हैं। ऐसा देखा जाता है कि इस जगत में सभी कर्मों के फल भिन्न भिन्न होते हैं, हम सब जानते हैं इस बात के लिए। अतः ये जो 12 यज्ञ कर्म बताए गए हैं अभी पीछे के श्लोकों में, उनके फल भी भिन्न होने चाहिए, ये बताने के लिए कि इनमें भेद प्रतीत होते हुए भी सबका लक्ष्य एक ही है। और वो लक्ष्य कहां है? यहां कहा गया है कि इस प्रकार बहुत से यज्ञ ब्रह्मा के मुख में फैले हुए हैं। ब्रह्मा का मुख जो है उसमें यज्ञ समाये हुए हैं, अर्थात सभी यज्ञों का लक्ष्य ब्रह्म ही है, भगवान ही है। सभी राजमार्ग राजधानी को जाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। विभिन्न प्रकार के यज्ञ और उनमें दी गई आहुति एक ही जगह पहुंचते हैं, कहां? श्री भगवान के मुख में। और उन सबको कर्मों से उत्पन्न हुए जानना हमें चाहिए। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो भगवान के इस कथन को हम नहीं मान रहे। भगवान के इस कथन को स्वीकार करने के लिए हमें ये फर्क महसूस होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं श्लोक संख्या
33, अध्याय 4, श्लोक संख्या 33। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञाने यज्ञा परंतपा सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञ यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ से, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, अर्जुन के लिए संबोधित है। सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे प्रथापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। यहां भगवान ने इन इस श्लोक की दोनों पंक्तियों में अलग अलग नामों से अर्जुन को संबोधित किया है। पहली पंक्ति में वो कहते हैं परंतप और दूसरी पंक्ति में कहते हैं पार्थ। मतलब जब हम किसी व्यक्ति से कोई बात बार बार उसका फर्स्ट नेम मेंशन करके बोलते हैं, इसका मतलब है हम बहुत इम्फेसिस दे रहे हैं उसको समझाने के लिए। भगवान यहां वही कर रहे हैं। भगवान ने पहली लाइन में कहा परंतप और दूसरी लाइन में कहा पार्थ। तो भावार्थ में देखते हैं, कहते हैं भगवान हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा, हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मतलब जो द्रव्यों का यज्ञ हमने पीछे अभी पढ़ा है उनसे ज्ञान का यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। अभी दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में भगवान बोलते हैं कि हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। मतलब जितने भी प्रकार के कर्म यज्ञ हैं उन सब का एक डेस्टिनेशन है, वो क्या है, दिव्य ज्ञान, डिवाइन नॉलेज, भगवान का दिव्य ज्ञान। आइए तात्पर्य में समझते हैं इस श्लोक के लिए कि श्रील प्रभुपाद किस तरह से इसका तात्पर्य हमें समझाते हैं। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है सभी यज्ञों का वो क्या है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, कंप्लीट नॉलेज उसे मिल जाए जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पा सके। भौतिक कष्टों से छुटकारा, ये मुख्य बात है। ये मुख्य बात है कि भौतिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अंत में वो परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके, डिवाइन सर्विस, दिव्य सेवा करने के लिए उसको तैयार होना है। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए, यही ज्ञान योग है। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। हमारी श्रद्धा में वेरिएशन होता है ना, तो वेरिएशन के अनुसार जो यज्ञ या उनसे मिलने वाले फल उनमें अंतर आ जाता है। तो क्या होता है, जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, डिवाइन नॉलेज के लेवल तक यज्ञकर्ता पहुंच जाता है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। जो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं और ज्ञान भी उनको नहीं है, उनसे वो श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ज्ञान के बिना ये यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, यही का यही समाप्त हो जाते हैं, भगवान तक पहुंचते ही नहीं। जब आपको ज्ञान होता है तो इनका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा आपको आध्यात्मिक लाभ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना व्रत में होता है। जो वास्तविक ज्ञान है वो क्या है, वो कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना है। कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, अन्यथा क्या है, ये एक मटेरियल एक्शन है, हम सिर्फ भौतिक कर्म कर रहे हैं। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब है कि भौतिक कर्मों की जगह हमें आध्यात्मिक कर्म करना है और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, तब हम अपने यज्ञों को आध्यात्मिक स्वरूप दे पाएंगे, अन्यथा वो भौतिक स्वरूप में, इस भौतिक जगत में ही समाप्त हो जाने वाले हैं। चेतना भेद के अनुसार ये जो चेतना है, ये जो नॉलेज ज्ञान का स्तर है,
ये जो अवेयरनेस है, ये जो नॉलेज है, इसके अनुसार क्या होता है, ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। जब भौतिक लेवल पर है तो वो कर्म कांड है, और जब आध्यात्मिक लेवल पर है तो वो ज्ञान कांड है। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। श्रील प्रभुपाद एक ही लाइन में पूरा सार देते हैं और कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। ज्ञान के बिना किया जाने वाला यज्ञ यज्ञ हो ही नहीं सकता। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये जो द्रव्यमय शब्द है वो क्या है? द्रव्यमय का अर्थ है कि जिन यज्ञों में द्रव्यों अर्थात पदार्थों तथा कर्मों की प्रचुरता रहती है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो ये सब यज्ञ जो है द्रव्यमय कहे जाते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय लगाने का अर्थ है कि वहां बहुत ज्यादा द्रव्य है, धनराशि, धन संपदा, सामग्री बहुत ज्यादा है। जैसे मिट्टी की प्रधानता होती है तो कहा जाता है पात्र के लिए कि मृण में मिट्टी का है, मिट्टी बहुत ज्यादा है उसमें। इसी तरह से जहां द्रव्य की प्रधानता होती है तो उस यज्ञ को द्रव्यमय कहा गया है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है कि कर्मों से उत्पन्न हो रहे हैं। यहां भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण यज्ञ कहां? ज्ञान यज्ञ में समाहित हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त करके किया जाने वाला यज्ञ है वो कर्मों से जनित नहीं है, बल्कि हमारे विवेक से जनित है, हमारी बुद्धि से जनित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा की उन्नति के लिए, अपने आत्म विकास के लिए हमें अनेक द्रव्य पदार्थों के उपयोग से सिद्ध होने वाले यज्ञों की अपेक्षा क्या करना चाहिए? ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। और दूसरी पंक्ति में भगवान उसकी श्रेष्ठता का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कर्म कांड में द्रव्यमय यज्ञ ऐसे फलों को उत्पन्न करते हैं जिनके उपभोग के लिए कर्ता को अभिमान हो जाता है। अगर अभिमान है तो भगवान तो उसको स्वीकार करते ही नहीं है। ये देह का अभिमान हो जाता है कि मैंने किया, लेकिन जब कर्म की पूर्णता हो जाती है, कर्म ज्ञान से युक्त हो जाता है, तो वहां अभिमान समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर वो सारे यज्ञ भगवान के लिए अर्पित होते हैं। तो ये यहां इस श्लोक में भगवान अर्जुन को अच्छी तरह से समझा रहे हैं। और यदि केवल ज्ञान से पूर्णत्व की प्राप्ति हो सकती है तो हमें दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी प्रकार के कर्मों का और कर्म फलों का तुरंत क्षय समाप्ति हो जाती है। हम सबको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।